खबर इंदौर से है, जहां जीआरपी ने ट्रेनों में वारदात करने वाली गैंग के बाकी के सदस्यों को भी पकड़ लिया है। इस गैंग से जुड़े 5 सदस्यों को रेलवे पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। पकड़े गए बदमाशों ने वारदात में अपने एक अन्य साथी के होने की और कार उपलब्ध कराने वाले का नाम बताया था, जिसके बाद जीआरपी दोनों की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने ठिकाने लगातार बदल रहे थे, लेकिन आखिरकार वह इंदौर रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। रेलवे एसपी निवेदिता गुप्ता के मुताबिक पकड़ाए आरोपियों के नाम हरीश उर्फ हुकुम निवासी चंदन नगर पुणे है। दूसरे आरोपी का नाम आशीष पुत्र राजेश गौड़ निवासी उज्जैन है। एसपी के मुताबिक आरोपी हरीश पूर्व में पकड़ाए राजू सेलके और किरण के साथ वारदातों को अंजाम देता था। वहीं आशीष उन्हें उज्जैन से कार्य उपलब्ध कराता था, जिससे वह वारदात को अंजाम देकर महाराष्ट्र चले जाते थे। अधिकारियों के मुताबिक रज्जीनामा जोसेफ निवासी सखलिया ने बताया कि वह 8 मार्च को ट्रेन में थी, इस दौरान वारदात हुई थी। उनका सोने के जेवर से भरा बैग और कार्ड रखे थे। इस वारदात को लेकर राजू सेलके से पूछताछ की गई तो उसने हरीश का साथ होने की जानकारी दी थी। पुलिस इसके बाद से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के कंगन, अंगूठी और अन्य जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो आशीष पूर्व में रतलाम में चलती ट्रेन में एक लूट की वारदात को भी अंजाम दे चुका है, जिसमें उसने लूट के दौरान पैसेंजर को चलती ट्रेन से धक्का भी दिया था। आरोपी उस समय नहीं पकड़ाया था। एसपी के मुताबिक पूरी गैंग पुणे से ही ऑपरेट होती है। अभी और वारदातों को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इनका मैक्सिमम मूवमेंट हमारे क्षेत्र में उज्जैन और रतलाम रोड पे रहा, तो पुणे से ये चल के यहाँ उज्जैन बाई रोड आते थे, फिर यहाँ खड़ी ट्रेन में चोरी किया और यहाँ पे चोरी किया, फिर यहाँ से रतलाम वाले में भी चोरी किया और फिर अपना वापस चले जाते। मतलब ट्रेन में इनका मूवमेंट कम है, ऑन रोड मूवमेंट ज्यादा था, इसलिए थोड़ा सा टिकलिस्ट था ये।